हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो आज का टॉपिक थोड़ा सा सीरियस होने वाला है, लाइक हम लोग थोड़ी सी सीरियस वाली बातें करने वाले हैं। मैं मतलब इन चीज़ों के बारे में कभी व्लॉग बनाना नहीं चाहती थी, ना मुझे लगता था कि मैं ऐसे कभी बनाऊंगी, बट आजकल कुछ ज़्यादा ही मतलब बहुत ज़्यादा ये चीज़ें हम देख रहे हैं। लाइक आप लोग के सामने भी ये चीज़ें आ रही होंगी कि जब भी आप अपना इंस्टा, यूट्यूब, फेसबुक कुछ भी खोल रहे हो तो हमेशा एक क्रुएल्टी केसेस आ रहे हैं, और वो भी इतने ज़्यादा गंदे तरीके से जो मतलब देख इतना मतलब वो देख भी नहीं सकते हम लोग। लाइक इतनी सारी वीडियोस मेरे सामने आ रही है डॉग से रिलेटेड, एनिमल मतलब कितने सारे एनिमल्स के साथ ये चीज़ें हो रही हैं कि समझ नहीं आ रहा कि हो क्या गया। इंसान मतलब क्या हो गया है, दुनिया में क्या चल रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। कितनी सारी वीडियोस में हम देख रहे हैं कि अभी मैंने कल ही एक वीडियो देखी जिसमें एक डॉग को एक मतलब आदमी इतना बुरी तरीके से डंडे से मार रहा है और वो चिल्ला रहा है, और एक एक होते हैं ना मतलब एक लोग वीडियो बना रहे, कोई हेल्प करने के लिए नहीं जा रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा, उसका मतलब वो इतना चिल्ला रहा है, किसी को उस पर दया नहीं आई। अगर यही चीज़ कोई इंसान के बच्चे के साथ करे तो क्या ऐसे ही लोग वीडियो बनाते देखते रहेंगे, कुछ बोलेंगे नहीं, कुछ करेंगे नहीं? मतलब समझ नहीं आ रहा क्या चल रहा है दुनिया में, क्यों हो रहा है ये सब, कहाँ चली गई है मतलब इंसानियत, कहाँ चली गई है, दया नहीं रह गई है इंसान में, पता नहीं क्या हो गया। मैं इन चीज़ों पे वीडियो नहीं बनाना चाहती थी, बट आजकल मैं खुद बहुत ज़्यादा टारगेट हो रही हूँ, लाइक मुझे बहुत हेट मिल रही है इन चीज़ों में। सो मेरा बोलना ज़रूरी है इस चीज़ में, लाइक मेरे को एक प्रॉपर वीडियो बनानी ज़रूरी है। जैसे आप लोगों को पता है कि मुझे ना ऐसे स्ट्रीट डॉग को फीड करके मतलब दिखाना पसंद नहीं है, मैंने अपनी काफ़ी वीडियोज़ में बताया है। एक रीज़न ये है, सेकेंड रीज़न ये है, जैसे हम लोग सोसाइटी में रहते हैं, आज मैं ये चीज़ क्लियर करना चाहूँगी, जैसे हम लोग सोसाइटी में रहते हैं तो मैं नहीं चाहती कि मैं अगर फीड कर रही हूँ और मैं अगर उसकी वीडियो डाल रही हूँ, कोई सोसाइटी में से उसको देखे और कोई ना कोई मेरे घर में लड़ने आए। मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ, बट मैं फालतू कुछ ऐसी चीज़ें चाहती नहीं हूँ कि भाई मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इन फालतू चीज़ों पे लड़ूँ कि तुम उसको खाना क्यों खिला रहे हो या ऐसा क्यों हो रहा है या वैसा क्यों हो रहा है। मैं अपनी जगह सही हूँ, बट मैं ऐसा कलेश नहीं चाहती हूँ। हम लोग वीडियो ना बनाकर भी उनको खाना खिला सकते हैं, है ना? तो एक चीज़ ये होगी, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बस ऐसे ही ज्ञान देने आ जाती है, खुद खुद कष्ट करती नहीं है। भाई हर एक चीज़ दिखा के नहीं की जाती है, ठीक है? आज मैं एक और बात बताती हूँ आप लोगों को, पता नहीं मुझे बतानी चाहिए कि नहीं, बट काफ़ी दिनों से लाइक दो तीन बार जो गुल्लू है ना, जिसने अभी अभी बेबीज दिए हैं, जिसकी वीडियोज़ में आपने देखा होगा, थोड़ा थोड़ा मैं दिखाती हूँ, जो उसने बेबीज़ दिए हैं, आई डोंट नो कहाँ दिए हैं, किस बिल्डिंग में दिए हैं, किधर दिए हैं, तो वो जब भी मुझे दिखती है ना, मैं हमेशा ट्राई करती हूँ, मेरा 99% यही होता है कि मैं उसको फीड कर दूँ। पता है क्या होता है, मैं रहती हूँ ऊपर, बहुत ऊपर वाले फ्लोर पे रहती हूँ, तो जब जैसे मैं रिच को घुमा रही हूँ या कुछ लेने गई हूँ या कुछ करने गई हूँ, तो अगर वो मुझे दिख जाती है मैं फटाफट जाती हूँ ऊपर खाना लेके, जब तक मैं नीचे आ जाती हूँ वो इधर उधर हो जाती है, उसको कोई भगा देता है या कोई मार के भगा देता है, मुझे नहीं पता क्या होता है, बट वो वहाँ नहीं होती। अब मैं उसको किधर ढूंढूँ, क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आता। मैं साइड पर रख देती हूँ वो खाना, नेक्स्ट डे या थोड़ी देर बाद देखती हूँ तो वो बर्तन ही नहीं होता, वो भी किसी ने फेंक दिया होता है। तो कुछ दिन से क्या हो रहा था, जो वो गुल्लू है वो 23rd फ्लोर पर चली जाती थी, लाइक हमारे से ऊपर भी जो फ्लोर है उस पर होती थी। तो एक दो लोगों ने देखा है, हमने भी नोटिस किया है, तो हमें लगता था शायद खाने की वजह से आती होगी, भूख लगती होगी, उसको इधर उधर से खाना नहीं मिलता होगा। तो दो तीन दिन से वो हमारे फ्लोर पर भी आ रही थी, तो हमने अंदर घर के अंदर बुलाकर उसको खाना खिला दिया, एक बार खिला दिया, आज सुबह वो फिर आई, फिर खिला दिया। यार ये हमारी इंसानियत है कि हाँ चलो ठीक है, अगर वो आ रही है हमारे गेट के आगे तो हम लोग उसको खाना खिला दे, खाना ही खिला रहे हैं यार, बेजुबान की हमें मदद करना हमारे ऊपर है ना, कि हम इंसान हैं, हमें मदद करनी है। लाइक वो बेजुबान है, वो कुछ बोल नहीं सकता, वो अपने लिए खाना नहीं ढूंढ सकता, बहुत बहुत चीज़ें हैं यार, हमें इंसान को ध्यान रखना चाहिए चीज़ें। चलो ठीक है, ये बात हो गई, तो मैं नाम नहीं लूँगी। हमारे घर पर कोई आए बोलते कि हमारे घर के बाहर जो दूध पड़ा होता है वो फाड़ के चली गई, वो पी के चली गई। तो आप प्लीज़ उसको अपने घर यहाँ पे खाना मत दें, आप नीचे जाके खाना ले। मैं उनको अपनी बात समझाई, तो मतलब सब कुछ हुआ, हमारी आर्ग्यूमेंट तो आर्ग्यूमेंट नहीं मतलब थोड़ी सी बात हुई। सो उन्होंने मुझे बोला, अगर इतना मैंने उनको इतना बोला कि आप अपने घर के आगे थोड़ी सी बाउंड्री क्रिएट कर लो ताकि वो उस साइड ना जाए, क्योंकि अगर वो मेरे यहाँ आएगी, अगर वो खाना
की तलाश में आएगी तो मैं ऑब्वियसली बात है उसको खाना दूंगी ही दूंगी। इतनी ऊपर से नीचे सीढ़ियों से जाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं उसके लिए खाना पहले नीचे तक लेके जाऊँ और उसको फिर नीचे खाना खिलाऊँ। और नीचे भी बहुत सारे लोग हैं ऑब्जेक्शन करने वाले, मैं ना यहाँ बाहर खिला रही हूँ ना कुछ करूँ, अपने घर के अंदर घुसा के उसको खाना खिला रही हूँ, ठीक है। तो उनका आगे से रिप्लाई आता है ऐसे, किया तो आप उनको घर में ही रख लीजिए ना, घर में ही पाल लीजिए ना, मतलब देट वॉज सो रूड। मुझे इतना गुस्सा आया और मैं बस चुप कर गई क्योंकि मैं बहस करना ही नहीं चाहती हूँ। मैंने एक व्लॉग में पहले भी बताया कि इतने ज़्यादा एजुकेटेड लोग हैं हमारी दुनिया में कि उनको समझाना, उनसे बात करना बेकार है, बिल्कुल बेकार है। सो प्लीज़ चुप रहो और अपना काम करते रहो, जो आपको करना है वो आपने करना ही है। इन लोगों से आर्गुमेंट करने का कोई मतलब नहीं है। लाइक एक होते हैं पढ़े लिखे लोग, एक होते हैं पढ़े लिखे गवार लोग। अब मुझे नहीं पता उनमें से वो कौन से वाले हैं कौन से वाले नहीं, मैं नाम नहीं लूँगी। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोगों के साथ मेरी आर्गुमेंट होती है, इवन इंस्टा या यूट्यूब पर भी मुझे बहुत हेट मिलती है इन चीज़ों के बारे में, बट मैं इग्नोर करती हूँ। बट बात हो रही थी यहाँ पे क्रुएल्टी केस की, यहाँ ये चीज़ तो क्रुएल्टी नहीं थी, मैंने जस्ट आपको एक चीज़ बताई, एक क्लियर करी। तो ये क्रुएल्टी केस इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, इतनी ज़्यादा कि देख देख के ना इतना ज़्यादा खून खौलता है मेरा, इतना ज़्यादा कि मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ ना। लोग कुछ कर रहे हैं, क्या हो रहा है आसपास। कल एक वीडियो और देखी मैंने कि जिसमें एक लड़की कोई सिख था, सिख से लड़ रही थी अकेली, इतने सारे लोग आसपास देख रहे थे, वो अकेली लड़ रही थी उस डॉग के लिए, और उसने हाथ में डंडा पकड़ा हुआ था और उसके साइड से एक स्ट्रीट डॉग है, उसने उसको मारा और कहा गली के कुत्ते हैं, मैं गली में मारूँ तेरे घर में नहीं। मतलब ये क्या स्टेटमेंट थी, और ये शर्म ही नहीं आती है लोगों को कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा, मेरे ऊपर भी आएगी क्या होगा। पता है जब मैं ऐसी वीडियोस या कुछ भी अपने सामने, मैंने सामने तो खैर ऐसा नहीं देखा है कभी, बट जब मैं ऐसी वीडियोस देखती हूँ ना तो मेरा मतलब मैं भूल नहीं पाती हूँ वो चीज़, मेरे दिमाग में वो चलती रहती है चीज़ें कि यार कोई इंसान कैसे इतना ज़्यादा हार्श हो सकता है किसी के लिए, किसी बेजुबान के लिए जो बोल नहीं सकता, और आगे से उनका रिप्लाई होता है कि वो काट लेते हैं, उन्होंने काटा हुआ है उन्होंने। यार ऐसा नहीं होता, कोई भी इंसान हो जानवर हो जब तक उसको सताया ना जाए वो आगे से एक रिवर्ट नहीं करता है किसी भी चीज़ पे, समझ रहे हो मेरी बात। या तो उसको किसी इंसान ने पहले से ही सताया होगा या कुछ किया होगा, वो तभी ऐसे ऐसे चीज़ें करता है, काटता है या कुछ करता है। अगर आप उसको एक बार खाना खिला दोगे ना वो ज़िंदगी भर याद रखेगा। ये चीज़ तो आपने भी सुनी होगी ना कि कुत्ता सबसे ज़्यादा वफादार होता है। मैं सिर्फ एक डॉग्स के लिए ही नहीं बात कर रही हूँ, मैं सारे एनिमल्स के लिए बोल रही हूँ कि अगर आप एक बार उसको खाना खिला दोगे ना वो पलट के आपको कभी आपके वो क्या आपकी पूरी फैमिली का ध्यान रखेगा। मैं मेरा इतना अच्छा एक्सपीरियंस है ना कि मैं जिस भी डॉग को खाना खिलाती हूँ ना वो कभी नहीं भूलता, चाहे मैं किसी भी कोने में जाकर उसको खाना क्यों ना खिला के आई हूँ। सो प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सबकी हेल्प किया करो, प्लीज़ हेल्प किया करो, चाहे वो इंसान हो चाहे वो जानवर हो, प्लीज़ 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 हेल्प किया करो, अपने आसपास के लोगों को खाना खिलाया करो, जिसकी जिसको ज़रूरत है आपकी हेल्प की प्लीज़ किया करो, मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी। ओके गाइज, दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो, और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन मिले और वीडियोज़ बनाने की। आज 28th डे है ना, मैं रेगुलर व्लॉग्स डाल रही हूँ, थोड़ा सा प्यार दिखा दो। एंड एक चीज़ और, दिवाली आ रही है, प्लीज़ पटाखे बिल्कुल मत जलाना, जो बिल्कुल फुल झड़ी वगैरह होते हैं ना वो आप जला सकते हो, प्लीज़ जो बम ब्लास्ट वाले वो होते हैं ना वो आवाज़ वाले, प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है प्लीज़ मत जलाना, उससे बहुत सारे एनिमल्स को प्रॉब्लम होती है। सो प्लीज़ प्लीज़ इतनी सी रिक्वेस्ट है, दिवाली पे ये सब चीज़ें मत करना। और मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।